हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शारदा मंडलेकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट एक्सरसाइज 5B. ओके, सो लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ए. फाइव नंबर्स को हमें ऐड करना है. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. सो इसे हम ए सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट दैट मीन्स माइनस. ओके, सो वंस की प्लेस में, वंस की प्लेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो एट में से नाइन माइनस नहीं होगा, सो यहाँ से हम वन कैरी लेंगे. सो यहाँ पर क्या होगा, एट्टीन होगा. एट्टीन में से नाइन माइनस नाइन. ओके, देन यहाँ क्या बचेगा, सिक्स. सेवन से, सेवन में से वन यहाँ चले गया, सो यहाँ पर सिक्स बचेगा. सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर. देन यहाँ टू माइनस थ्री नहीं होगा, वहाँ से हम बोरोइंग लेंगे. सो यहाँ पर क्या होगा, ट्वेल्व. ट्वेल्व माइनस थ्री, ट्वेल्व, इलेवन, टेन, नाइन. यहाँ टू बचेगा, टू माइनस फोर माइनस नहीं होगा, सो यहाँ से एक हम बोरोइंग लेंगे. सो यहाँ पर ट्वेल्व होगा, ट्वेल्व माइनस फोर, ट्वेल्व, इलेवन, टेन, नाइन, सॉरी, ट्वेल्व, इलेवन, टेन, नाइन, एट, फोर. यहाँ फोर बचेगा, सो फोर माइनस टू, इसे आप ऐसे कट कर सकते हैं क्योंकि हमारे न्यू नंबर्स तो ये हैं, हमें इनसे ही ऐड करना होगा. ओके, सो फोर माइनस टू इक्वल टू फोर. सो ये क्या आ गया हमारा आंसर. ओके, यहाँ पर आपको बोरोइंग लेकर, बोरोइंग दैट मीन्स उधार लेकर सॉल्व करने हैं क्वेश्चन. ओके, सब्ट्रैक्ट है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल एज स्टूडेंट्स, आप अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या है, सब्ट्रैक्ट 9025 फ्रॉम 9025 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर हम देखते हैं 29034. ओके, एंड सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं 7853927853392. ओके, सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 9025 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये नंबर्स हैं, आगे और नंबर्स गिवन है, बट मैंने समझाने के लिए आपको ए नंबर एंड बी नंबर का, बी नंबर के नंबर्स लिया है. ओके, सो इन नंबर्स से आपको ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. सो ए का सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट में हम इस नंबर को नोट करेंगे बिकॉज हमें इन नंबर से, ये मेन नंबर्स को इन ऑल नंबर से माइनस करना है. ओके, फाइव, टू, जीरो, नाइन. फोर में से फाइव माइनस नहीं होगा, सो अब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, यहाँ से एक बोरोइंग लेंगे, सो यहाँ पर फोर्टीन होगा. सो यहाँ पर क्या बचेगा, टू. ओके, फोर्टीन माइनस फाइव हो जाएगा, नाइन बचेगा, टू प्लस टू गए जीरो, जीरो, नाइन माइनस नाइन जीरो एंड टू. ये क्या है हमारा आंसर. ओके, एंड यहाँ पर हम फर्स्ट में यही नंबर ऐड करेंगे, सॉरी नोट करेंगे, सेवन एट फाइव थ्री नाइन टू. देन सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर को, फाइव, टू, जीरो, नाइन. यहाँ ट्वेल्व होगा, यहाँ से एक बोरो लेंगे, सो यहाँ पर एट बचेगा. सो ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव हो जाएगा. ओके, ट्वेल्व, इलेवन, टेन, नाइन, एट, सेवन. देन एट माइनस टू, एट, एट, सेवन, सिक्स बचेगा. ओके, थ्री माइनस जीरो, थ्री, फाइव माइनस नाइन नहीं होगा, सो यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे
फाइव, यहाँ से एक बोरो लेंगे तो यहाँ पर होगा 15, यहाँ बचेगा 7। 15 माइनस 9 अब हो जाएगा 5, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 बचेगा। ओके, देन 7 का 7 एंड 7 का 7, तो ये क्या है आंसर। ओके, इन टू क्वेश्चंस में हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है उनसे हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। देन स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम क्वेश्चन नोट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है बट कॉलम वाइज नोट करके। तो कॉलम में हम कैसे नोट करेंगे, ये दिस नंबर फ्रॉम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर। ओके, सो इस नंबर से हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, सो ये नंबर हम फर्स्टली नोट करेंगे, देन 5, 3, 2, 1, 6, 4 माइनस 2, 2, 8 माइनस 3, 5, 8 माइनस 5, 3, यहाँ से एक 0 माइनस 6 नहीं होगा, सो यहाँ से एक बोरो ही लेंगे, सो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा, 10 माइनस 6, 4, 7 माइनस 1, 6, सो हमारा आंसर क्या आया, 64,352 इज आंसर। ओके, सो एज वेल एज आप क्वेश्चन नंबर थर्ड के अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 5B के, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, जो पेज नंबर 42 एंड 43 में गिवन है इन योर मैथमेटिक्स बुक। ओके, सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन जो आपको होमवर्क मिले हैं इनके मैंने वन वन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, उन्हें देखकर आप अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो आप हमसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू। Gracias.